देखिए प्रभास भैया के आदि पुरुष के बाद अपने हिंदी सिनेमा में भी एक रामायण बनने वाला है। आज उसी से ही बड़ी अपडेट आ गई है, उसके कास्टिंग से लेके फिल्म के शूटिंग से रिलेटेड। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहाँ तो पहले आप बता दो, इस रामायण में प्रभु राम जी का कैरेक्टर प्ले करेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सीता माता जी का रोल प्ले करने वाली थी। लेकिन भाई कलालू अर्जुन की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स ने इस रामायण से आलिया भट्ट को निकाल दिया है। अब उनके बदले तेलुगु से ही साई पल्लवी आ गई है इस रामायण में। अब यही सीता माता का रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर के अपोजिट में, कन्फर्म। और इन सब के बाद यश भाई भी कन्फर्म हो गए रावण के रोल के लिए, यानी कि रॉकी भाई की यश 20 हिंदी की रामायण फिल्म होगी। वैसे आपको बता दूं, ये वाला रामायण प्रभास के आदि पुरुष जैसा नहीं बल्कि ट्रायलॉजी फॉर्म में बनेगा। इसका हमें 3 पार्ट देखने को मिल सकता है और इस रामायण का शूटिंग अगले साल से चालू करेंगे रणबीर कपूर यश अपने डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ। और हाँ, पहला पार्ट का शूटिंग जनवरी से चालू होगी और इस पार्ट में केवल रणबीर कपूर और साई पल्लवी होंगी, यश भाई नहीं जाएंगे शूटिंग सेट पर। शायद रामायण के पहले पार्ट में सीता स्वयंवर तक कहानी होगा, इसलिए रॉकी भाई को नहीं बुला है शूटिंग के लिए। लेकिन यश भाई हमें सीधा दूसरे पार्ट में जरूर दिखेंगे, इसलिए वो जुलाई के महीना में जाने वाले हैं शूटिंग करने रामायण की। और इनका रावण के कैरेक्टर के लिए स्पेशल शूटिंग सेट श्रीलंका में बनाया जाएगा। राम सेतु के बाद ये रामायण फिल्म अब श्रीलंका में जा रही है शूट होने, यानी कि भाई नितेश तिवारी बड़े चालू आदमी हैं। वो ज्यादातर रियल लोकेशन पर ही फिल्म शूट करना चाहते हैं, लेकिन वहीं ओम रावत ने एक बड़ा गलती कर दिए थे। वो पूरी आदि पुरुष मूवी को एक बड़े से हॉल में ब्लू स्क्रीन के सहारे शूट किए थे। यहाँ तक कि जंगल का सीन में भी फालतू का वीएफएक्स पर पैसा खर्च किया गया था, जबकि वो सारे सीन तो आराम से किसी जंगल में ही शूट हो जाता, वो भी अच्छा क्वालिटी में ही। और यही सब में 600 करोड़ बर्बाद कर दिए टी सीरीज कंपनी का ओम रावत। लेकिन अब नितेश तिवारी जहाँ जरूरत है वहीं सिर्फ वीएफएक्स में पैसा डालेंगे और बाकी सब असली लोकेशन पर ही रामायण का शूटिंग होगा। वैसे भाई शायद दूसरे पार्ट में माता सीता जी का हरण और बाली सुग्रीव का सीन दिखाया जाएगा और आखिरी पार्ट में फाइनल वार होगा रणबीर कपूर और यश के बीच, यानी रावण वर्सेस राम जी होगा। देखिए भाई, ये रामायण सच में काफी बड़े स्केल पर बनने वाला है। इसका वीएफएक्स और कैरेक्टर के लुक पर मेकर्स ज्यादा फोकस करेंगे, तो देखा जाए रणबीर कपूर और यश के रामायण से कब कुछ अपडेट आता है अनाउंसमेंट का। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।